फूल गोभी के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आधा किलो गोभी के इस तरह फूल जो है वो अलग अलग कर लिए हैं और इसको अब हम उबालेंगे। तो उबालने के लिए मैंने पानी रख दिया था, पानी में उबाल आना स्टार्ट हो गया है। तो हम सारे फूल गोभी के फूलों को इसके अंदर डाल देंगे और इन्हें 4 मिनट तक हम हाई फ्लेम पर उबालेंगे। तो यहाँ पे मैंने आधी चाय की चम्मच इसके अंदर नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद हम इन्हें 4 मिनट तक उबालेंगे और ओवर कुक नहीं करना है हमें, सिर्फ इन्हें हल्का सा सॉफ्ट करना है। 4 मिनट यहाँ पे हो चुके हैं तो हम इन सारे फूलों को इस तरह छन्नी में निकाल लेंगे। बस आपने यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि इन्हें आपने ओवर कुक नहीं करना है, वरना आपके पकौड़े जो है वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनेंगे। तो इन्हें हम इस तरह छन्नी में निकाल लेते हैं और थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। जब तक ये ठंडी हो रही है तब तक हम मसाले मिक्स करके रख लेते हैं जिनके अंदर हमें इसे मैरिनेट करना है। तो एक बाउल के अंदर मैंने 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की है, किसी भी लाल मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चाय की चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चाय की चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर और 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 खाने के चम्मच नींबू का रस ऐड करके हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सारे मसालों को मिक्स करेंगे और यहाँ पे हम इसके अंदर 1/4 चाय का चम्मच नमक ऐड कर देंगे अकॉर्डिंग टू टेस्ट। तो नमक ऐड करके हम इसे दोबारा से अच्छे से मिक्स करते हैं और यहाँ पे ये अच्छे से मिक्स हो गया है हमारा मसाला। तो हम इसके अंदर ये फूल गोभी के फूल ऐड कर देंगे जिन्हें हमें उबाल के रखा हुआ था। ये थोड़े से ठंडे हो गए हैं तो यहाँ पे हम नरम हाथों के साथ इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपने बहुत ज़ोर ज़ोर से इसको अच्छे से मिक्स नहीं करना है वरना फूल गोभी के फूल जो है वो टूट भी सकते हैं। तो यहाँ पे हमने इनको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसे हम 15 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए रख देते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं गोभी को मैरिनेट किए हुए रखे हुए। तो अब हम बैटर तैयार कर लेते हैं। तो बैटर तैयार करने के लिए यहाँ पे 1/2 कप बेसन मैंने एक बाउल के अंदर ऐड किया है। 3 खाने के चम्मच हम इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसके अंदर राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। 1/4 चाय का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चाय का चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 चाय का चम्मच नमक या अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 चाय की चम्मच इसके अंदर साबुत जीरा चला जाएगा। साबुत जीरा ऐड करने के बाद हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसकी हम गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म कर लेंगे। पानी एकदम से आपने नहीं ऐड करना है, पहले थोड़ा सा पानी ऐड करके हम इसकी गुठलियाँ ख़त्म करेंगे और थोड़ा सा हम पानी और डालेंगे और इसका एक घोल तैयार कर लेंगे। घोल जो है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होगा और ना ही बहुत ज़्यादा हम पतला रखेंगे। इतना गाढ़ा होना चाहिए कि इसकी एक कोटिंग जो है वो फूल गोभी के फूलों के ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर हमने घोल तैयार कर लिया है और इसे 15 मिनट हो चुके हैं गोभी को मैरिनेट किए हुए। इसके एक फूल को हम इस तरह अच्छे से डिप करेंगे और इसे गर्म ऑयल के अंदर हम फ्राई कर लेंगे। तो ऑयल जो है वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, अच्छे से गर्म हो गया है ऑयल और इसके अंदर हम इस तरह एक एक पीस डिप करके बेसन के अंदर इसके अंदर डालते जाएंगे और इन्हें हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर फ्राई होने देंगे। एक बार में जितने फूल आएंगे हम उतने डालेंगे इसके अंदर और यहाँ पर हम इन्हें फ्राई होने देते हैं मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक ये एक साइड से गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाते हैं। एक साइड से फूल जो है वो अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं तो हम इनकी साइड को चेंज कर देते हैं और इसी तरह हम दूसरी साइड से भी अच्छे से इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई होने देते हैं। गोभी के फूल दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। रोशनी में आपको लग रहा होगा कि ये अभी अच्छे से गोल्डन ब्राउन नहीं हुए हैं, तो मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं, बहुत ही खूबसूरत कलर इनके ऊपर आ गया है। तो इन्हें हम प्लेट में निकाल लेते हैं और इसी तरह बाकी के भी फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पे मज़ेदार से फूल गोभी के पकौड़े बनकर तैयार हो गए हैं। आप इनको गर्म गर्म चाय के साथ सर्व करें। आई होप आप लोगों ने आज की मेरी रेसिपी को एंजॉय किया होगा। अगर ज़रा सा भी एंजॉय किया तो फटाफट से लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी मज़ेदार सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।